सतनाम वाहे गुरु जी। अच्छाई पलट पलट कर किस तरह आती रहती है, आज की कहानी में हम देखेंगे। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था, अचानक पास में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसान ने अपना सामान व औजार फेंका और तेजी से आवाज़ की तरफ भागा। आवाज़ की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बच्चा दलदल में डूब रहा था। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और चिल्ला रहा था। किसान ने आनंद बानंद में लंबी टहनी ली, अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें से कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रॉडॉल्फ चर्चिल है। फिर उस अमीर चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आया है। फ्लेमिंग नामक उस किसान ने उस सज्जन के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बदले में कोई पैसा नहीं लूँगा। किसान ने कहा, किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, यह मानवता है और इंसानियत है। उस मानवता इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नज़र उस पर गई तो उसने एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या यह आपका बेटा है? तो किसान ने गर्व से कहा, हाँ यह मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी कीमत मंजूर नहीं तो ऐसा करते हैं, आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलवाने की व्यवस्था करूँगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। फिर आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों को गर्व होगा। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा दिला नहीं पाऊँगा और न ही सारी सुविधाएं जुटा पाऊँगा जिससे कि यह बड़ा आदमी बन सके। अतः इस प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग किसान तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल से डिग्री हासिल की। फिर किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारक महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही। कुछ वर्षों बाद उस अमीर बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेंसिलिन के इंजेक्शन से ही बची। है ना यह आश्चर्यजनक संयोग। इसलिए ही कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके पास ही आता है। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील के पत्थर के जैसा साबित होता है। जिस तरह कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है और झुकने के बाद ही भरकर बाहर निकलती है, यही जिंदगी का भी सार है। जीवन में कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको भी पसंद आई होंगी।
जिसे आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सतनाम वाहेगुरु जी।